वेलकम टू स्वयं ब्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फिर से एक बार। और आज मैं लेके जाने वाला हूँ आपको बरेली के एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर, बाबा त्रिवेटी नाथ का मंदिर है ये, भोली शंकर का और श्री हरि जी का मंदिर है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत बड़े प्रांगण में स्थित है और बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। आप जाइए और उसमें अच्छा समय बिताइए। वैसे तो बरेली में घूमने लायक चीज़ें कम हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लगी जो मैंने घूमी। और बाकी मेरे अलग वीडियो में आप देखेंगे बरेली की टॉप 10 क्या चीज़ें हैं। सो चलिए वीडियो में बने रहिए आगे तक। तो दोस्तों बरेली जिले के कुतुबखाना या बड़ा बाजार के आसपास ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर प्रांगण बहुत ही भव्य और विशाल है, आप जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है। और ये है मंदिर का प्रमुख द्वार जो प्रभु शिव को समर्पित है। और ये है मंदिर प्रांगण। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बजरंगबली जी की एक बहुत ही प्यारी मनोहर मूर्ति दिखाई पड़ती है और मंदिर के बीचों बीच में राम दरबार सजा हुआ है। चारों तरफ आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर कथा वाचन के लिए भी प्रमुख स्थान रखा गया है। और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं तो उसकी मूर्ति ज़रूर ही यहाँ पर मिल जाएगी। मंदिर प्रांगण को अगर आप देखिए तो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, इसमें वास्तुकला इस हिसाब से लगाई गई है कि चारों तरफ से खुली हवा, खुला आकाश आपको आसानी से दिखाई पड़ता है। मंदिर प्रांगण को थोड़ा आगे चलते हैं और मंदिर प्रांगण से बाईं तरफ देखेंगे आप तो नवग्रह मंदिर है। जैसे ही नवग्रह मंदिर में हम एंटर करते हैं तो हमें नवग्रह के पूजन हेतु, नव ग्रह के जो भगवान होते हैं, सारे प्लैनेट्स होते हैं जिन पर हमारी भविष्य फल निर्भर करता है, वो आपको दिख जाएंगे। मंदिर प्रांगण के बीचों बीच में पीपल का लगा हुआ ये विशाल पुराना पेड़ है जिसमें लोग शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार दिया जलाते हैं, तेल का समर्पण करते हैं इत्यादि। जिनकी भी कुंडलियों में नवग्रह का दोष है वो प्रतिदिन आकर इस मंदिर पे नवग्रह पूजा का आयोजन कर सकते हैं या कर सकते हैं स्वयं भी। तो दोस्तों अब मंदिर से दाईं ओर शिव प्रांगण की ओर चलते हैं जहाँ पर शिव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको पीपल का एक बहुत ही पुराना वृक्ष बीचों बीच मंदिर के मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी की गई है अगर आप भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहते हैं तो उसकी भी उपयुक्त व्यवस्था है, बैठ के पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था है। मंदिर से दिखता हुआ नंदी भगवान का एक विशाल मूर्ति आपको दिखाई पड़ जाएगी। और जब आप मैदान में थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें जो शिव परिवार है उसके दर्शन होते हैं। ये नंदी भगवान के फिर से दर्शन करिए। और मंदिर प्रांगण को अब हम चारों तरफ फिर से देख लेते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और एक मनोहर घंटों की गूंज चारों तरफ से आती रहती है जो आपको मन को बहुत ही शांत और स्थिर होने का अनुभव कराती है। चैनल में जो लोग नए हैं उन सभी से निवेदन है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमें आगे वीडियोज़ बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आप देख सकते हैं कोरोना के इस काल में मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान दिया गया है। मंदिर सन 1414 में इसकी स्थापना की गई थी। मंदिर में दुकानें मंदिर परिसर से बिल्कुल बाहर रखी गई हैं ताकि कोई भी प्रसाद या फूल की गंदगी मंदिर में ना आए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मंदिर प्रांगण बहुत ही साफ सुथरा है और मन को मनोहर कर देने वाले दृश्य चारों तरफ आपको दिखेंगे। वर्टिकल गार्डन्स आपको दिखेंगे जो बहुत ही खूबसूरती से लगाए गए हैं और हरियाली दिखेगी। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वयं।